इस घर में एक एक पल काटना मेरे लिए मुश्किल हो गया। भैया, संजय को माफ ना करने से जिंदगी की बाकी सच्चाइयां बदल नहीं जाएगी। इस जीवन में आप उसके पिता हो और संजय आपका बेटा है। ऐसे कैसे बात कर सकती हो आप हमारे साथ? जो लड़कियां थाने में दो रात गुजार के आई हों, उनसे ऐसे ही बात होती है। मेरे चेहरे पर तो गुस्सा है, मुझे नहीं लगता कि मैं संजय को माफ कर पाऊंगा। मैंने अपना जुगाड़ कर लिया है, अब तुम दोनों भी अपना देख लो। पूजा, तुम्हारे इसी आदत की वजह से तुम इतने बड़े प्रॉब्लम में फंस गई, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आया। मुझे कुछ नहीं सुनना, पर यह बात तो तय है कि मैं सड़क पर नहीं रहूंगी। बाय। जाने दो इसे शगुन, ये ऐसी ही लड़की है जो कभी अपनी गलतियों से नहीं सीखती और ना ही किसी के एहसानों को मानती है। पता नहीं दिन भर में इतनी बार कैसे अपना चेहरा शीशे में देख लेती है। इसे तो शर्म से मर जाना चाहिए। खैर छोड़, अब हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे। हम दोनों साथ में रहेंगे और खुश रहेंगे। तुम्हारे साथ हैं तो खुश ही रहेंगे दोस्त। कितने दिन बाद मुझे इतनी अच्छी दोस्त मिली है जो सिर्फ बातें ही नहीं काम भी बड़े करती है। चलिए तो शुरू करें। वन टू और ये थ्री। चलिए जल्दी जल्दी जल्दी, संजय तुम्हें भी ढूंढना है। लीना तुम्हें भी, क्या हुआ? नहीं है, कहाँ से होगी? चलिए अब दूसरी बार, नो मजाक, नो मजाक। चलिए रेडी, वन टू और थ्री। चलिए चलिए जल्दी जल्दी, ढूंढिए ढूंढिए ढूंढिए, ढूंढो। संजय, नहीं मिली। नहीं, कैसे मिलेगी फिर से? ठीक है, अब से नहीं होगा। ठीक है, नो मजाक, सीरियसली। हाँ नहीं, ओके भाभी। चलो वन टू और थ्री। संजय नहीं है, ढूंढो। अरे जीत गई भैया। ये मेरी किस्मत में एक रुपए का सिक्का ही लिखा है लगता है। ओफो भैया, आपकी किस्मत में इतनी अच्छी बीवी है तो आपको अंगूठी की क्या जरूरत? चलो नेहा तुम डालो, शायद तुम्हारे भैया जीत जाए। एक रुपया भी देना होगा? हाँ। एक ही किस्मत में था होगी। अब क्या करें, डालो डालो। चलो इस बार लूंगा। ऑल द बेस्ट भैया। ओके, ऑल द बेस्ट भाभी। ए ए नहीं। भैया भाभी फिर से जीत गई। आप लोग चीटिंग करते हो ना? अच्छा जी, हम चीटिंग करते हैं और आप क्या करते हो? चलिए अब संजय कॉइन ढूंढ के दो ना, अब वो भी नहीं करोगे? दीजिए। चलिए अब फाइनल राउंड। ठीक है संजय, अब तुम्हें जीतना ही है। चलो अब फाइनल गेम खेलते हैं। ठीक है, पर जो जीतेगा वही फाइनल जीतेगा, तो ध्यान से खेलना। चलो 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 जल्दी जल्दी। ओह नो, अभी जीत गई भैया। तुम्हारा सिक्का।
सिक्का तो ढूंढ लो संजय। ये भी लेना। क्या संजय, तूने तो खानदान की नाक ही कटा दी। अरे बुआ, मैंने खानदान की नाक नहीं कटाई बल्कि खानदान की इज्जत बढ़ा दी। अच्छा जी, वो कैसे? अच्छा सोचो, लीना अब इस परिवार का हिस्सा है तो लीना जीत गई। इसका मतलब ये हुआ कि परिवार जीत गया। संजय, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है तू, पर अब थोड़ी सोच और अकल में भी सुधार ले आ। शादी हो गई है तेरी अब। बुआ, मैं आपके सामने हमेशा बच्चा ही रहूंगा। मैं दुनिया भर के सामने शेर बन सकता हूँ पर आपके सामने नहीं। पता नहीं मुझे बचपन से ही आपसे डर क्यों लगता है। वो भी जरूरी है, नहीं तो तू निरंकुश हो जाएगा। बुआ, एक बात बोलू, आप सच में बहुत अच्छे हैं। हाँ, वो तो मैं हूँ। लेकिन गलती करने पर बुरी भी हूँ। क्या करें इसका, क्या करूं? भैया, कोई घर मिलेगा? अरे अरे, थोड़ी देर चलो वहां बैठते हैं हम लोग। बस बस मिलते। ना हुआ
कोहिनूर का हीरा हो गया है। कोहिनूर का हीरा तो पता है कहाँ है, लेकिन हमारे घर का तो कुछ पता ही नहीं है। अरे वाह शगुन, सेंस ऑफ ह्यूमर तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। तुम लाख अच्छाइयां गिनवा लो मेरी मनोरमा, लेकिन हूं तो मैं तुम्हारे सर पर बोझ ही ना। देखो ना मनोरमा, तुम्हारे पास अकेले घर लेकर रहने के लिए पैसे हैं, तुम आराम से रह सकती हो, लेकिन मेरी वजह से मैं तुम्हारे सर पर एक बोझ जैसी बन गई हूं। अब तुम्हें मेरे भी पैसे देने पड़ेंगे। तुम्हें काम करो ना मनोरमा, तुम अपने लिए एक अलग से घर देख लो, मैं अपना मैनेज कर लूंगी। क्यों, गांधी जी का दूसरा बंदर भी दम तोड़ना चाहता है? तुम समझ नहीं रही हो मनोरमा, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ। शगुन, तुम एक ही बात बार बार क्यों दोहराती रहती हो? हम दोनों हमेशा साथ में रहे, अब चाहे घर कितने दिन बाद भी क्यों ना मिले। वैसे मेरी बात एक ब्रोकर से हुई है, शायद कल तक घर मिल जाए। कल तक? कल तक हम यहाँ पे क्या करेंगे? जगह बुरी नहीं, रात काटी जाती। मतलब नीले गगन के तले उसी का प्यार पले। ना भैया ना, इतनी आसानी से आपको अंदर नहीं जाने देंगे। आखिर मेरा हक भी तो आपको देना पड़ेगा, छोटी बहन को नेक दिए बिना अंदर कैसे जा सकते हो? हाँ भाई संजय, ये तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, ये भी एक रिवाज है। चलो चलो चलो, फटाफट जेब ढीली करो। ठीक है बुआ, ये ले बस। ना भैया, इतनी आसानी से नहीं निकल पाओगे। ओ, कम है पूरे बस। भैया मुझे पैसे नहीं चाहिए, इन पैसों का मैं क्या करूंगी, मुझे तो कुछ और चाहिए। अच्छा क्या चाहिए? बाहर घूमने जाना है? कपड़े? नहीं भैया। स्कूटी? नहीं भैया, मुझे इन सब में से कुछ भी नहीं चाहिए। नेहा, अपने भैया को ज्यादा तंग मत कर, तुझे जो भी चाहिए जल्दी से बता दे, वो तुझे ना नहीं कहेगा। बोल। सच में भैया, मुझे जो चाहिए आप मुझे दोगे? हाँ, बोल क्या चाहिए तुझे। हाँ हाँ पगली, क्यों नहीं देगा, आज तो तेरा दिन है, ये तेरा हक है, तुझे जो चाहिए वो मांग ले, वो तुझे देगा। क्यों संजय, दोगे ना? हाँ हाँ बुआ दूंगा, और वो भी बिना सवाल के। ये मांगे तो सही, बोल क्या चाहिए। सच भैया, प्रॉमिस? हाँ बाबा प्रॉमिस, बोल। भैया मुझे नेक में आपसे एक परमिशन चाहिए। परमिशन? किस बात की? भैया मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए दिल्ली जाना है, और मुझे दिल्ली जाने के लिए आपसे परमिशन चाहिए। नया, मैं ये नेक नहीं दे सकता, तुम खुश रहो या नाराज, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, ये तुम अच्छी तरह जानते हो।
मुझसे कोई भी ऐसी डिमांड मत करो जो मैं पूरी नहीं कर सकता। चलो रखिए आप, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नेहा बेटा, अगली ऐसे नाराज नहीं होते, और ये तो तेरा नेग है, इसका अपमान नहीं करते बेटी। चलो रख लो इसे। नेहा बेटा रख लो, सुन मेरी बात, तेरी पढ़ाई के लिए तेरे भैया से मैं बात करूंगी। सच बुआ? हाँ। अरे अब तो रख ले इसे। नेहा बेटा मैं हूं ना, अपना मन छोटा नहीं करते, ठीक है? मनोरमा, कभी कभी मुझे लगता है कि जो जिंदगी हम जी रहे हैं वो किसी और की है, और उसे हम सिर्फ ऊपर से देख सकते हैं, बस। अचानक ऐसा क्या हो गया जो तुम ऐसी बातें करने लगी? कभी कभी मुझे अपने ऊपर डाउट होता है कि क्या मैं सही हूं, और अगर मैं सही हूं तो क्या मैं वो कर पाऊंगी जो मैं करना चाहती हूं। वैसे दुनिया में हर इंसान अपनी अपनी नजरों में अच्छा होता है, उसके लिए उसका दिमाग अपना तर्क भी बना लेता है, पर ये कैसे साबित हो कि उसके तर्क सही है और दूसरों के गलत है? क्या इंसान खुद को न्यूट्रल होकर कभी देख सकता है? कोई कितना भी कोशिश कर ले पूरी तरह से न्यूट्रल होकर अपनी गलतियों, जरूरतों और भावनाओं से नहीं बच पाता। शगुन, कोई इंसान अपना फैसला नहीं कर सकता, फैसला करने वाले वो ईश्वर सब देखते हैं और बिना किसी पक्षपात के फैसला करता है। मेरी नजर में तुम बिल्कुल भी गलत नहीं। गलती तो इस समाज की तथाकथित रीति रिवाज परंपरा की है जो औरतों को हमेशा बांध कर रखना चाहता है। हमें इसी रीति रिवाज को बदलना होगा, और इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है विश्वास। अपने ऊपर शक करना विश्वास को जहर देने के बराबर है, इसीलिए तुम अपने दिमाग से ये निकाल दो कि तुम कहीं से भी गलत हो। लेकिन मनोरमा, मैं तभी सही मानी जाऊंगी जब मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगी, और वही प्रमाण होगा मेरी सच्चाई का। शगुन, तुम अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करोगे, मुझे विश्वास है तुम पर, लेकिन इसके लिए तुम्हें पेशेंस रखना होगा। जिस इंसान ने पेशेंस रखना सीख लिया और अपने लक्ष्य पे लगातार लगा रहा, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। किसी को तुम पे भरोसा हो या ना हो, मुझे तो तुम पे पूरा भरोसा है। थैंक यू यार। कभी कभी मुझे लगता है कि अगर तुम नहीं होती तो मैं टूट चुकी होती। नहीं शगुन, अगर मैं नहीं होती तो कोई और होता। किसी के होने या ना होने से होनी नहीं रुक जाती है। एक इंसान का अगर इरादा मजबूत हो तो वो होनी को खुद बना सकता है, और बाकी लोग सिर्फ उसके सहायक होते हैं। बहुत कम ऐसे इंसान होते हैं जिन्हें पता होता है कि वो जहां है वहां क्यों है। ज्यादातर इंसान अपनी लालची इच्छाओं, जरूरतों और तकलीफों से हार जाते हैं, खुद को छलते हैं
और दूसरों से भी छल कपट करते हैं और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। ज्यादातर लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं, और जिनके पास है वो भटके हुए। बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो अपने सपनों को जिंदा रखते हैं और खुद जिंदा रह पाते हैं। तुमको देखकर मुझे एक ऐसे इंसान का एग्जाम्पल मिल गया जो एक दिन सबके लिए एग्जाम्पल बन सकता है। ऐसे नहीं है मनोरमा, तुम मुझे इतना चाहती हो इसलिए तुम्हें मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ खूबियां ही नजर आती हैं। मैं तो समझती हूँ कि तुम मुझसे कहीं ज्यादा अच्छे इंसान हो जो अपने सुख दुख को भूलकर दूसरों की खुशियों में लग जाती है। तुमने अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठा रखी हैं, तुम उनकी इतनी मदद करती हो और इधर तुम मेरी भी मदद करती हो, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम जैसा सेल्फलेस इंसान कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा, तुम मेरी झूठी तारीफ करके तुम मुझे खुश करना चाहते। लो, मैं खुश हो गई। ए, कौन बैठा है वहां पर? ए, इस तरह की लड़की हो तुम दोनों? रात को यह क्या कर रही हो? चलो निकलो, निकलो पार्क से। पार्क का एक टाइम होता है खुलने का, बंद होने का और लोगों के टहलने का। चलो निकलो यहाँ से, रात को लेटना और सोना तो बिल्कुल अलाउ नहीं यहाँ पर। चलो निकलो। भैया प्लीज, हम दोनों को यहाँ पे रुकने दीजिए, हम कल सुबह सुबह ही यहाँ से चले जाएंगे, वरना अभी रात में हम दोनों को मुश्किल हो जाएगी। ये पार्क है, सेफ जगह है, इसलिए हम दोनों यहाँ पे आ गए। नहीं नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं, हम नियम कानून पालन करने वाले आदमी हैं। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। भाई साहब, हम लोग बहुत मुसीबत में, दिन भर घर ढूंढते ढूंढते थक गए, लेकिन घर नहीं मिला। कल घर मिल जाएगा, हम लोग सुबह सुबह ही यहाँ से निकल जाएंगे। 4-5 घंटे की तो बात है, कुछ देर हमें यहाँ रहने दीजिए और हम आपके पार्क पर कब्जा नहीं जमाएंगे। ऐसा नहीं होता, और ज्यादा इधर उधर की बातें मत कीजिए, चलिए निकलिए पार्क से। भाभी खुश क्यों नहीं होंगी, उनके लिए इतनी तैयारियां जो की गई थी, सब कुछ वैसे हुआ जैसे एक नई दुल्हन के उसके ससुराल आने पे होता है। तुम्हें जगा भी दूंगी और तुम्हें समझा भी दूंगी। समझाना? क्या समझाना है? यही कि जब सारे रीत रिवाज तुम्हारे लिए किए जा रहे हैं तो सबसे बड़ी रीत कैसे भूल जाए। तुम्हारा लक अच्छा था तो कुछ नहीं हुआ, अब दोबारा रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं।